और नमस्कार न्यूज विलेज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील जोगी। आज मौजूद है हम कस्बा गोरई विधानसभा 77 में, जहां आप देख सकते हैं आरएलडी के यहां प्रमुख चौधरी जयंत सिंह आने वाले हैं और पूरा विशाल जनसमूह यहां पर मौजूद है और मंच पर उपस्थित है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि गिरीश यादव जी मौजूद है यहां पर मंच पर बैठे हुए, विनोद सविता जी किस तरीके से मौजूद है यहां पर और लोकदल से किस तरीके से यहां पर मंच से जो है नारे दिए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और बहुत अंबार है चारों तरफ। कहूँगा इधर दिखाएं, साइड में सभी लोगों को दिखाएं किस तरीके से भीड़ का अंबार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही पलों में यहाँ चौधरी जयंत सिंह आने वाले हैं और यहाँ भीड़ का उत्साह देखते ही बन रहा था। नारेबाजी हो रही थी, लोगों में जोश था और जानेंगे क्या हकीकत है यहाँ की और क्या वादे करके जाते हैं चौधरी जयंत सिंह, क्या सौगात दे के जाते हैं, क्या चुनावी वादे करते हैं। देखते रहिए हमारे साथ दोस्तों, जानेंगे यहाँ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव जी मौजूद है मंच पर, जानेंगे इनसे सर क्या कहेंगे आज की मीटिंग के बारे में क्या कहेंगे। देखिए समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी इगलास विधानसभा से वीरपाल सिंह दिवाकर जी हैं, उसी के तहत राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी जनसंपर्क अभियान के लिए इसमें यहाँ पर पहुँच रहे हैं गोरई में। इसी के तहत हम सब लोग यहाँ पे आए हुए उनको सुनेंगे और जो यहाँ की समस्याएं किसानों की, जो किसानों ने के लिए वादे करने, जो दिक्कतें उन चीजों को हम लेके बात बात रखेंगे यहाँ पर। सर बाबा कहते हैं कि सांप्रदायिक दंगा को फैलाने के लिए दो लड़के मैदान में कूद चुके हैं, क्या कहेंगे इसके? देखिए हमारा कहना ये है कि जो पहले कुछ हुआ लेकिन उन चीजों को बार बार क्यों दोहरा जा रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग बंटवारे की राजनीति करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। न इनके पास विकास का मुद्दा है, न किसान के लिए कोई मुद्दा है, केवल बंटवारे की जाति से जाति को, धर्म से धर्म को, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। सर अलीगढ़ में कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? देखिए अलीगढ़ में 3 सीटें राष्ट्रीय लोकदल लड़ रहा है और 4 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अलीगढ़ की 7 सीटें जीत के गठबंधन प्रत्याशी जी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनने जा रही है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व। चलिए जानते हैं इसी के साथ में विनोद सविता जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मौजूद है यहाँ, जहाँ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ सर तमंचाधारी, इस पार्टी को तमंचाधारी बोला जाता, क्या कहेंगे आप? दावा कहते हैं तमंचाधारी पार्टी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सरकार ने जितना लोगों ने पुलिस को मारा है, पुलिस ने जनता को ठोका, जनता ने पुलिस को ठोका है, उत्तर प्रदेश में जितना तमंचाधारी चले हैं उत्तर भारतीय जनता पार्टी चले हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने अभी कल ही कहा है कि कैरावा मेरठ में बहुत गर्मी है और उसका ये कह करके कि मैं जून में उनकी बर्फ जमा दूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता को सीधी सीधी चेतावनी है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूँ कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशियों को जिता करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। सर आज की इस मीटिंग से क्या फर्क पड़ेगा 77 विधानसभा में? ये जो इगलास विधानसभा है यहाँ से श्री वीरपाल सिंह जी को टिकट दिया गया है राष्ट्रीय लोकदल में और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं सुबह से इस विधानसभा में घूम रहा हूँ कि ये हम सीट जीत गए और 7 विधानसभा हम चुनाव जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी हताशा का परिणाम है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है लेकिन वो इसमें फेल हो रही है। इस भारतीय जनता पार्टी में कोई विकास की बात है, नौजवानों को बेरोजगार किया, इलाहाबाद में लाठीचार्ज नौजवानों पर किया, घरों में घुस करके नौजवानों को मारा गया, उनकी किवाड़ में रायपुर से तोड़ी गई। उत्तर प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि स्वर्गीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ा जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।